हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल स्कूलों में औचक निरीक्षण बहुत ज़्यादा चल रहा है और औचक निरीक्षण के क्रम में बहुत सारे शिक्षक अनुपस्थित भी पाए जा रहे हैं। तो आज 14/3/2022 को प्रखंड विकास पदाधिकारी अलीनगर इनका औचक निरीक्षण हुआ, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, साथ ही और भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ जो है वो मिली है। तो ये पत्र जारी हुआ है आज ही के डेट में। प्रखंड विकास पदाधिकारी अलीनगर का प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय बसुआ शिक्षक के नाम प्रभारी प्रधानाध्यापक के नाम से जो है पत्र जारी हुआ है। महाशय, उपर्युक्त विषय संबंध में निर्देशित करना है कि अधो हस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 14/3/2022 को 11 बजे पूर्वाहन में आपके विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में विद्यालय में कुल कार्यरत 6 शिक्षकों में से 4 अनुपस्थित थे तथा कक्षा एक में कुल 38, कक्षा दो में 38, कक्षा तीन में 38, साफ थोड़ा सा क्लियर उतना नहीं दिख रहा लेकिन 38 ही है, कक्षा चार में 46 एवं कक्षा पाँच में 39 छात्र छात्राओं का नाम दैनिक छात्र उपस्थिति पंजी में दर्ज है, जबकि कक्षा एक में 7, कक्षा तीन में 5 छात्र छात्राओं की उपस्थिति दर्ज थी एवं कक्षा 2, 4, 5 में छात्र उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज नहीं था। साथ ही विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका अनुपस्थित पाए गए, यह आपके द्वारा विद्यालय संचालन में लापरवाही को दर्शाता है। अनुपस्थित पाए गए शिक्षक शिक्षिका का विवरण यहाँ पे दिया गया है, जो शिक्षक सारे पंचायत शिक्षक है, तो ये लोग अनुपस्थित पाए गए हैं। कुल 6 में से 4 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए थे। उपरोक्त सभी शिक्षक शिक्षिका से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने अस्पष्ट मंतव्य के साथ प्रतिवेदन 24 घंटे के अंदर समर्पित करें। तो इन लोगों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और जब तक ये लोग स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो सभी अनुपस्थित शिक्षकों का अनुपस्थिति अवधि का वेतन अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है और इन लोगों का वेतन भी स्थगित कर दिया गया है जो भी अनुपस्थित शिक्षक थे उनका। ठीक है,